नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने मैटर लिखकर अपने टेबल पर रख दिया है, तुम उसे टाइप करके प्रूफ रीडर को दे देना। बाकी प्रिंट फॉर्मा मैं जो चाचा जान दरवाजा खोलिए जल्दी, चाचा जान जल्दी। क्या बात? वहाँ कुछ गुंडे अब्दुल भाई को मार रहे हैं। आइए मेरे साथ। भाई को मारे, उसे चल के बचा लीजिए। सुन लिया, 10 मिनट रुक जाओ, सैंडविच तो खा लूं। सुबह से कुछ नहीं खाया, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी पर था, पेट खाली है। 10 मिनट में तो दुनिया बदल जाएगी, मेरा बच्चा मेरा भाई मारा जाएगा। अरे 1 मिनट यार, रोज सुबह से शाम तक लोग कटते रहते हैं, पुलिस किस किस को बचाएगी? घूरता क्या है, देखता नहीं सैंडविच खा रहा हूं? हमारी दास्तान तो तू अपने अखबार में नहीं छाप पाया, लेकिन कल तेरी मौत की खबर अखबारों में जरूर छपेगी। अब्दुल, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे भाई, बच्चे मेरे, अरे देख मैं आ गया हूँ तुझसे पूछे बिना। अरे तूने क्या कर दिया रे बेटा, तू तो कह रहा था मेरी एक तरफा जीत होगी, अरे मेरी तो चौतरफा हार हो गई। अरे तूने ये क्या कर दिया बेटे? नहीं तो फिर ही उतारोगे इंस्पेक्टर, मुझे तुम्हारे हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हमदर्दी मेरे भाई की कमी को पूरा नहीं कर सकती है, उसकी रूह परवास कर गई है, वो कभी लौट कर नहीं आएगी। अपनी टोपी वापस पहनो, पहनो अपनी ये टोपी। रात का वक्त है, शबनम गिर रही है, तुम्हें नजला हो जाएगा। ए इंस्पेक्टर आराम करो, जाओ 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 जाते, मुझे नहीं चाहिए हमदर्दी। अरे मेरा भाई तो मर गया, मैं क्या करूंगा किसी की हमदर्दी लेकर? मुझे नहीं चाहिए हमदर्दी, मुझे नहीं चाहिए हमदर्दी। Thank you.
جزیره‌ای لیکو و ما انزل من قبلك و بالآخرت هم یوقنون. نہیں ارجو، تمہیں دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میں جس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ تمہارے جیسے دوست، تمہارے جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے میرے عبدل کو بیچ چراہے پہ قتل کر دیا گیا. لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں روز مرتے ہیں، پولیس سب کو تھوڑی بچاتی ہے، پولیس کا غم تھوڑی بچانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل رات ڈیوٹی پر کون تھا؟ چائے اور سینڈوچ کا بہت شوق ہے نا تجھے؟ تیری نظر میں ایک انسان کی زندگی کی قیمت چائے اور سینڈوچ سے بھی کم ہے نا؟ چائے ہاں، سینڈوچ. اس حرامی کے ہاتھوں اپنا ایمان بیچا ہے تو نے، بول. ایک پولیس والا ہو کر ایک پولیس والے کو اتنا مارا تم نے؟ جاؤ گھر کا کونا کونا چھان مارو. خبردار اگر کوئی آگے بڑھا تو اور نو ٹانگیں کاٹ کر رکھ دوں گا. اس کی ٹانگیں کاٹے گا تو؟ ہاں ارجن کی گردن رون کے رکھ دوں گا حرام زادے. جاؤ اپنی فوج کو روک لے انسپیکٹر، ورنہ بہت برا ہوگا. کیا ہو رہا ہے سی پی؟ میرے پلوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، جب تک نہیں ملتے زندہ ہیں. جس دن مل گئے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر چیر ڈالوں گا. کس کو چیر کر رکھ دے گا تو؟ میرے بھتیجوں کو. سی پی کیا کہا؟ سنا ہی نہیں دیا، پھر سے بول، پھر سے بول، بول. اچھا کان پٹی سے کان نوچ لوں گا، تیرے بچوں کی موت کی چیخیں بھی تجھے سنائی نہیں دے گی. سی پی اگر میرے بچوں کو قانون کی ہوا چھو بھی گئی نا تو شہر میں جہاں جہاں تھانا ہے کھڈے کھود دوں گا. سر وہ یہاں نہیں ہے. ستیہ لال اگر تو اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے کہیں منت مانگ رہا ہے نا تو بند کر، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تیری منت قبول نہیں ہوگی. پنگا نہیں لینا، مٹی میں ملا دوں گا. Thank you.
मिस्टर बिंदास मुझे वजह तो नहीं मालूम, मगर ऐसा लगता है आपको धंधा करना नहीं आता, क्योंकि इस छोटे से थिएटर को जिसमें सिर्फ 200 सीट हैं, बालकनी भी नहीं है, आपने इतने महंगे दामों में खरीद कर सरासर बेवकूफी की है, क्योंकि इतने दामों में तो गुजरात में 2 थिएटर मिल जाते। माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता। चाचा, बिजनेस करना आपको नहीं आता, अगर आप इस थिएटर के 25-30 लाख और मांगते ना तो ये बिंदास आपको उठा के दे डालता। ऐसी कौन सी बात है इस थिएटर में? अरे ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं चाचा। जब ये थिएटर नहीं बनी थी ना तो इसके सामने मेरी माँ बटाटे वड़े पाव बेचती थी। बटाटे वड़े पाव, लाल चटनी, लाल चटनी। और आज मेरी माँ की 25वीं विधवा सालगिरह है, और ये मेरी माँ को मैं तोहफे में देना चाहता हूँ। और आज से इस थिएटर का नाम होएगा सावित्री बाई बटाटे वड़े वाली सिनेमा। भैया मुझे माफ करो, मैं MF हुसैन नहीं हूँ। नहीं है? हाँ। ओके, आप चप्पल पहने हुए ना, वो चप्पल पहनते नहीं है। अच्छा। ये बाल बाल करा लीजिए ना आप। माधुरी के फैन लोग आप पे बहुत भड़के हुए। हाँ। अपन को मालूम है ना, अपन पिक्चर के ब्लैक किए हुए। हाँ। तिरुपति जाइए आप। अच्छा, चलो अच्छा। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। माँ माँ, आपकी 25वीं विधवा सालगिरह पर ये मेरी तरफ से तोहफा, SDBWC। आप लोग समझे नहीं, इसका मतलब है सावित्री देवी बटाटे वड़े वाली सिनेमा माँ, मेरी तरफ से। क्या बात है माँ, आप दोनों परेशान लग रहे हैं। भाई मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें तमाम ब्लैक मार्केटियर के नाम हैं, एक नाम तुम्हारा भी है, इस पेपर पर साइन कर दो। क्या लिखा है इसमें? तुम्हारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा। दस, तेरे को याद है हम लोग बचपन से कैसे पले बड़े हैं? तुम साइन करो भाई। दस, याद करो बचपन, माँ अपने को गटर के किनारे अपनी गोद में सुलाती थी। एक बार माँ को नींद की झपकी आई और हम दोनों को लेकर गटर में गिर गई थी। सूंघो अपने आप को, बचपन की लगी हुई गंदगी की बदबू आज तक आएगी। तुम साइन करते हो या नहीं? हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन सबसे पहले जाओ साथ में साइन लेकर आओ जिसे मेरे हाथ पे लिख गया था हरामी ब्लैक वाला। जाओ साथ में साइन लेकर आओ जिसे रजिया सुल्तान फिल्म बना के मेरे हजारों हजारों रुपए का सतनाश कर दिए थे। जाओ साथ में साइन लेकर आओ जिसे रूप की रानी चोरों का राजा बनाकर मुझे कंगाल कर दिया था। जाओ साथ में साइन लेकर आओ जिसे पिछले साल 1 महीने के लिए थिएटर को हड़ताल कर दिया था। उसके बाद तुम कहो जिस कागज पर, जिस पेन से, बॉल पेन से, निप पेन से, पेंसिल से, मैं साइन करने को तैयार हूं। तांजी क्या बात कर रहा है, तुझे मालूम है मैं अंगूठे छापूं? दूसरों की गलतियां गिनाकर तुम पुलिस के डिमांड को ठुकरा रहे हो, और तुम्हारी ये हरकत हमारे बीच में दीवार बन गई है, और जब तक ये दीवार हम दोनों के बीच में है, हम दोनों एक साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकते। चलो माँ। तेरे को जाना है, जा, माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। माँ, कौन था वो तेरा जिसने तेरे हाथ पे हरामी ब्लैक वाला लिख दिया? कौन था वो तेरा जिसने रजिया सुल्तान जैसी फिल्म बनाई? अरे कौन था वो तेरा जिसने रूप की रानी और चोरों का राजा जैसी फिल्म बनाई? लेकिन तू तो मेरा राजा बेटा था रे, फिर तूने ऐसी घटिया और डिब्बा पिक्चरों की टिकट क्यों खरीदी? चलो माँ। चलो बेटा। माँ माँ, मैंने बचपन से टिकट ब्लैक करके इतना बड़ा थिएटर तुझे तोहफा देने के लिए आया था, और तू आज ये व्हाइट साड़ी क्या पहन ली, इसके साथ जाकर व्हाइट व्हाइट हो गई। माँ, SDBWC। सत्या के बच्चे थाने में हैं सर।
ए, कुछ पता चला बच्चों का? पुराना डिप नहीं है, फार्म हाउस से आ रहा, वहां भी नहीं है। सेठी क्या? मैं सेठी के वहां जाके आया था, वहां पर भी नहीं है बच्चे। तो बच्चे गए कहां? घबराओ नहीं बेटे, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, सत्या जिंदा बैठा है अभी। वो अर्जुन कुत्ता जहां दिखाई दे टुकड़े टुकड़े कर दो उसके, खत्म कर दो उसको। जाओ। ठहरो सत्यलाल, ठहरो। तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को। एक बात याद रखना, जिन बातों को दबाने के लिए हमने उस एडिटर अब्दुल कलीम का खून किया था, वो बातें सामने आ जाएंगी। देखो दयाल, रिलैक्स। मैं अर्जुन को बुलाऊंगा, उसे समझाऊंगा कि वो तुम्हारे बच्चों का केस वापस ले ले। जस्ट रिलैक्स। एसीपी अर्जुन, मैंने यहां तुम्हें वार्निंग देने के लिए नहीं बल्कि एक सलाह देने के लिए बुलाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई जोखिम उठाओ, देश को तुम जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मैं चाहता हूं कि तुम सत्य का केस छोड़ दो। अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले यहां काम नहीं होता था, पुलिस मुजरिमों को नहीं पकड़ती थी, गुंडों के इनकाउंटर नहीं होते थे, नहीं, सब होता था। तुम एक ऑफिसर हो अर्जुन, पूरा सिस्टम नहीं, और यह पूरा सिस्टम बहुत बड़ी विसात है जिसमें तुम्हारी हैसियत केवल एक प्यादे की है और कुछ नहीं। अपने हिटलरी जुनूनी दिमाग को काबू में रखो, वरना तुम्हारे लिए संविधान में से रद्दो बदल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस के हाथों तुम्हारा भी इनकाउंटर हो सकता है। तुमने चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ मारा? छह बज चुके हैं, अब तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो, तुम्हारी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी है, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, अब तुम सिर्फ एक साधारण आदमी। ये थप्पड़ इस कमरे में मारा है, सिर्फ तुम्हारे और मेरे काम आ रहा है। आइंदा अगर ऐसी हिमाकत की तो बीच सड़क पर ऐसा कस के थप्पड़ मारूंगा कि उसकी गूंज 100 करोड़ की आबादी के कानों में पहुंचे। पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिल जाऊंगा। गुड इवनिंग सर। अर्जुन, हमें खबर मिली है कि चुनाव के दौरान मिजोरा चुनाव क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें वहां भेजने का फैसला किया है। सर, मुझे चुनाव में गड़बड़ रोकने के लिए वहां भेजा जा रहा है? यहाँ चुनाव में यहाँ गड़बड़ कराने के लिए मुझे हटाया जा रहा है? अर्जुन, तुम क्या समझते हो, पूरी पुलिस फोर्स में तुम ही ईमानदार हो, बाकी सारे करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है अर्जुन, के तुम्हें वर्दी में ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, वरना चीफ मिनिस्टर साहब के मुंह पर थप्पड़ मारने का क्या असर हो सकता है, जानते हो? अगर चीफ मिनिस्टर साहब इलेक्शन जीतकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गए तो ये जो तुम्हारा जोश है ना, जोश, इसे तुम्हारे खून से निकालकर बाहर फेंक देंगे।
सर गुस्ताखी मार। जब मैं छोटा था गलती करने पर मेरी मां मुझे डराती थी कि भूत आ जाएगा और मैं डर जाता था यह सोच करके पता नहीं भूत कैसा होगा। अब मैं बड़ा हो गया और आप मुझे उस भूत से डरा रहे हैं जिसे मैं ऑलरेडी कस के थप्पड़ मार चुका हूं। अर्जुन वो कर्म करेगा तो हम कर्म करेंगे, वो सितम करेगा तो हम सितम करेंगे। हमारे जैसा इंसान है वो भी, वो जो करेगा हम वो करेंगे। गुलाम करीम आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम करीम आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम करीम आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम करीम आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम करीम आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दयाल चौधरी जिंदाबाद, 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 दयाल चौधरी जिंदाबाद। दोस्तों बहुत कुछ कहने की उम्मीद लेकर मैं आप लोगों के सामने आया था, मगर अब जब यहां आया हूं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, क्यों कहूं और किससे कहूं। इस भीड़ से कहूं जो 24 घंटे भेड़ बकरियों की तरह डरी और सहमी रहती है, जो देश की रक्षा करना तो दूर की बात है, अपनी मां बहन और बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, हाथ फैलाकर ऐसे लोगों से वोट क्या मांगू जो खुद पिछले 50 साल से भिखारियों की तरह हाथ फैलाए हुए बैठे। ऐसे बुजदिल लोग जिनके जमीर मर चुके हैं, जो जुल्म सह सह कर जमीन दोज होते जा रहे हैं, ऐसों से मैं क्या वोट मांगूंगा जिनके मर्दों में, जिनके नौजवानों में मर्दों से कम और औरतों की झलक ज्यादा नजर आती है। ऐसे नपुंसक लोगों के वोट मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे हक के लिए किसी लड़ाई के मैदान में कूदा तो बुजदिलों सबसे पहले तुम दुम दबाकर भाग जाओगे। मुझे ऐसे नामर्दों के वोट नहीं चाहिए। शाबाश, यही चाहता था मैं। अब मुझे परवाह नहीं है कि मुझे वोट मिले या ना मिले, मैं जीतूं या हारूं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर जो मैं चाहता था मेरा वो काम हो गया। मैं चाहता था तुम्हारे मुर्दा जमीर जिंदा हो, तुम्हारे मन की सोई हुई आग जागे, अपने अंदर रक्षा करने का जज्बा पैदा हो। उसके आसार इस चप्पल से नजर आ गए और मैं कसम से कहता हूं कि यही जज्बा अगर हिंदुस्तान के हर मर्द, हर औरत, हर बूढ़े, हर बच्चे के दिल में पैदा हो जाए तो तुम पर जुल्म करने वाले, तुम्हारे साथ बेइज्जती करने वाले, तुमको धोखा देने वालों के मुंह पर सुबह शाम चप्पलों की बारिश होगी। मेरे दोस्तों एक बात मेरी सुनते जाइएगा और उसको याद रखिएगा कि इस देश को सुधारना है तो सिर्फ दो लोगों को सुधारना होगा, एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है। अगर ये दोनों सुधर गए तो भारत सुधर गया। शुक्रिया साहब, मुझे माफ कर दो। अरे 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 कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और जिंदगी में हाथ जोड़ना, सर झुकाना ये बंद कर दो, लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया इसका। नहीं, मन में जो आज आग भड़की थी ना उसको बुझने नहीं देना। जी नहीं। ये मेरा कर्ज है तुम्हारे ऊपर। हाँ। और ये तोहफा ले जाओ अपना।